हेलो एवरीवन, दिस इज़ क्लास 10th अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मैथमेटिक्स। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। अभी देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज नंबर सी से है। इफ द नंबर्स 2n-1, 3n+2 and 6n-1 आर इन ए पी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड द नंबर्स। तो यहाँ पे थोड़ा सा कट सा गया है, लेकिन फिर भी आपको सोल्यूशन में मिल जाएगा। इट इज़ गिवन दैट द नंबर्स 2n-1, 3n+2 and 6n-1 आर इन ए पी। देयर फोर जो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होगा वो थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म के इक्वल होगा। तो यहाँ से आएगा 3n+2 - 2n-1 = 6n-1 - 3n+2। तो ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा 3n+2 - 2n - का मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 6n-1 और माइनस ऑफ 3n-2। यहाँ से आप सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो आपको मिल रहा होगा n+3 इज इक्वल टू 3n-3, और फाइनली उसको सॉल्व करने पे आपको मिलेगा 2n इज इक्वल टू 6। 2 से कैंसिल होगा 6 तो आ जाएगा 3, n की वैल्यू आ जाएगी 3। जैसे ही आप n की वैल्यू पुट करेंगे 3 तो आपको क्या मिलेगा, 2n-1 से 2 × 3 - 1 = 2, 3 + 6 - 1 = 5 हो जाएगा। सेकेंड वैल्यू जो होगी 3n+2 = 3 × 3 + 2 यानी 3 × 3 = 9 + 2 = 11 हो जाएगा। और थर्ड टर्म में 6n-1 है तो 6 × 3 = 18 - 1 = 17 हो जाएगा। तो उम्मीद है आप ये बातें समझ पा रहे होंगे। हैंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ n इज 3 एंड द नंबर्स आर 5, 11 एंड 17। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3-डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। मतलब जो 3 डिजिट्स के नंबर होते हैं उसमें से कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, शायद मैंने एक दो करा भी रखे हैं। हाउ मेनी 2-डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाई 3, 4, 6, है ना। तो 3-डिजिट पे ये क्वेश्चन है और 7 से डिविजिबल पूछा गया है। तो आपको करना ये है, फर्स्ट 3-डिजिट नंबर होता है 100 और लास्ट 3-डिजिट नंबर होता है 999 यानी 999। अब आपको ये करना है कि अपनी तरफ से फर्स्ट 3-डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7 पता कर लेना है और लास्ट 3-डिजिट नंबर डिविजिबल बाई 7 पता कर लेना है। तो देखिए आपके सामने सीरीज है, द 3-डिजिट नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 7 आर 105, 112, 119 and so on to 994। तो क्लियरली दीज नंबर्स आर इन ए पी। फिर आपको ये करना है कि ए, डी और एल की वैल्यू राइट कर लेनी है। ए की वैल्यू क्या है, 105 है। डी की वैल्यू क्या है, 112 - 105 दैट इज़ इक्वल टू 7 और हैंस द ए पी कंटेंस एन टर्म्स। तो लेट सपोज़ किया गया कि लेट दिस ए पी कंटेंस एन टर्म्स, मान लेते हैं कि इस ए पी में एन टर्म्स हों, तो ए एन इज इक्वल टू हो जाएगा 994 और ए एन की वैल्यू यानी लास्ट टर्म की वैल्यू है 105 दैट इज़ इक्वल टू n-1 × d इज इक्वल टू 994। यहाँ से आप देख पा रहे हैं 7n+98 इज इक्वल टू 994 आ रहा है। तो 7n इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 994 - 98 दैट इज इक्वल टू 986 और 7 से कैंसिल होगा 986 तो ये आपको दे देगा 128। हैंस द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टर्म्स आर 128 दैट आर डिविजिबल बाई 7। अब देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन है, हाउ मेनी 3-डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाई 9। कि नेचुरल नंबर में 3-डिजिट के कितने नंबर हैं जो 9 से डिविजिबल हैं। तो आप देख पा रहे हैं सॉल्यूशन में, द 3-डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाई 9 आर 108, 117, 126 and so on to 999। क्लियरली दीज नंबर्स आर इन ए पी। तो ये नंबर्स तो ए पी में होंगे, तो ए कितना हो गया 108, डी हो गया 117 - 108 दैट इज़ इक्वल टू 9। तो इस तरीके से ए पी में सपोज करो एन टर्म्स हो तो ए एन इज इक्वल टू हो जाने वाला है 999 एंड ए एन की वैल्यू तो हो गई 999 और लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ए एन का फॉर्मूला a+n-1 × d। तो ए के प्लेस पे वैल्यू पुट कर लो, क्या हो जाएगा 108 + n-1 × 9 इज इक्वल टू 999। 108 जाके सब्सट्रैक्ट होगा 999, नहीं एक मिनट, इसको ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व किया गया है तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन होगा जब n-1 का तो 9n-9 आएगा और वो -9 108 में माइनस होगा तो 99 दे देगा। तो फाइनली आपके पास बनेगा 9n+99
इज इक्वल टू 999। 99 जाके सब्सट्रैक्ट होगा 999 में, तो ये आ जाएगा 900। तो 9n इज इक्वल टू हो जाएगा 900, 9 से कैंसिल होगा 900, तो आ जाएगा 100। तो n की वैल्यू आ जाएगी 100। हेंस देयर आर 103 डिजिट नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 9। अब इस तरह के और भी क्वेश्चंस आपके बुक में होंगे, उसको आप देख के सॉल्व कर लेना और ये पैटर्न को ख़त्म कर देना है आज। इसके बाद हम लोग कुछ न्यू टाइप के पैटर्न पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।